बच्चों आज हम पार्ट चार डायरी के पन्ने लेखा एंड फ्रेंड के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत एंड कौन थी डायरी को इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना गया है। फ्रेंक परिवार की सबसे छोटी लड़की 13 वर्षीय एंड फ्रेंक नीदरलैंड में अपने परिवार के साथ रह रही थी। ये परिवार यहूदी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड का जर्मनी का अधिकार हो जाने के बाद फ्रेंक परिवार अज्ञातवास में चला गया, क्योंकि इस समय नारियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा थी। अग्नि में लाखों यहूदियों को जलना पड़ा। एंड फ्रेंक की डायरी अपने समय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए अत्याचारों का एक प्रमाणित दस्तावेज है। नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में इस डायरी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये डायरी इतिहास के सबसे आतंकवाद भयावह और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव को प्रतिबिंबित करती है। एंड फ्रेंक ने अपनी डायरी में तत्कालीन परिस्थितियों एवं सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों का जीवंत चित्रण किया है। इसमें उसके निजी सुख दुख तथा भयानक भावनात्मक उथल पुथल का भी चित्रण मिलता है। एंड चाहती थी लोग यहूदियों के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में विस्तार से जान पाए। स्थायी प्रभाव को लिखित बातों का ही प्रभाव पड़ता है। सुनी हुई बातें तो लोग भूल जाया करते हैं, इसलिए उसने उन सब घटनाओं को लिखने का मन बनाया जो उसके साथ घटी थी। वह लिखती है कि लोग युद्ध के इस साल बाद चकित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यहूदियों को अज्ञातवास क्यों जाना पड़ा और उन पर किस किस प्रकार के जुर्म हुए। इन्हीं सब तथ्यों को सबके सामने लाने के लिए एंड ने अपनी डायरी लिखी। धन्यवाद बच्चों।